हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे ही यूट्यूब चैनल नेहा लखनऊ ब्लॉगर में। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हो गए और अपना खूब ज़्यादा वाला ध्यान रखिए। गाइज, आपको बता दूँ, आज नवरात्र का है day 7 और मैं नहा चुकी हूँ। और आपको क्या ही बताऊँ, आज मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन लग रही है। सर में पेन है और उसके बाद थोड़ा सा फीवर जैसा लग रहा है। फीवर है नहीं, एक्चुअली है क्या, हरासमेंट की वजह से। अब 9 दिन के फास्ट में एक तो काम भी हो जाता है, होता है ना कि फलहार बनाओ, फिर घर का काम रहता है, घर वालों का खाना अलग बनता है, फिर बच्चे के साथ है, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, तो कुछ तो प्रॉब्लम होगी। बट कोई नहीं, देवी जी का 2 दिन के लिए सेवा और है, उसके बाद तो फिर वही नॉर्मल डे की तरह हम लोग पूजा करेंगे। पर इस टाइम की पूजा का कुछ अलग ही जवाब होता है भाई, क्या ही बोलें। आप लोग को बताएं कि मुझे कल के ब्लॉग में कुछ लोगों ने मैसेज किया था ये मेरे इयररिंग के बारे में। उन्होंने बोला कि दी, आपकी इयररिंग बहुत अच्छी है, आपने कहाँ से लिया है? तो आपको मैं बता दूं कि ये इयररिंग जो है ना, ये मेरी इयररिंग गिफ्टेड है। और गिफ्ट कहाँ से मिला था ये भी बता दूँ आप लोग को, ये मुझे मेरे भैया की शादी में मम्मी ने मुझे दिया था। और जो चीज़ें मिली थी, डैडी अलग दिए थे, मम्मी अलग दी थी, तो ये चीज़ मुझे मेरी मम्मी ने दिया था भैया के। आप लोग को बताऊँ कि मैं बहुत ज़्यादा गोल्ड वगैरह पहनती नहीं हूँ, बहुत छोटा छोटा इयररिंग पहनते हैं आप लोग। मुझे हर ब्लॉग में आप लोग ने देखा होगा कि मैं छोटे छोटे ही इयररिंग्स पहनती हूँ। मैं हैवी इयररिंग हो या चैन वगैरह नहीं पहन पाती हूँ, मुझसे नहीं हो पाता है। तो ये तो पूजा की वजह से मैं पहन लेती हूँ। मम्मी डांटती हैं कि इतनी सारी चीज़ें रखी हो, कहीं यूज़ होता नहीं है, कब यूज़ होगा वो, तो इसीलिए मैं पहन लेती हूँ। क्या ही करे, थोड़ा थोड़ा यूज़ कर लेती हूँ। मम्मी कहती हैं किसके लिए रख रही हो, अभी से क्या कर लोगी, तो मैंने पहन लिया। और आपको चलिए दिखाते हैं कि मैं अपने शादी का, देखिए मंगलसूत्र पहनी हूँ, ये तो मैं ज़रूर पहनती हूँ। पीछे आप लोग इग्नोर करिएगा भाई, मेरे पतिदेव का खाना रखा है, उधर मेरा फलहार रखा है। अभी मेरे पतिदेव आए नहीं, आज है, आने वाले हैं सैटरडे, तो आज वो आएंगे। वो आने वाले रहते हैं, तो सच में मैं बताऊँ आप लोग से, मैं बहुत हैप्पी रहती हूँ, बहुत हैप्पी, मुझे बहुत अच्छा लगता है यार। एक्चुअली है क्या, अकेले आदमी दिन में तो फैमिली के साथ रह लेते हैं, पर रात में लगती है कि नहीं, हस्बैंड का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सब कुछ आप कह सकते हो एक ही चीज़ से नहीं होता है, फैमिली का होना अपनी जगह है, बट हस्बैंड का होना अपनी जगह है, सब अपनी अपनी जगह, सभी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए मुझे भी लगता है कि हस्बैंड का होना बहुत ज़रूरी है। बट कोई नहीं, अगर भगवान चाहेंगे तो जल्दी ही हम लोग साथ में रहेंगे। तो आपको मैं बता रही थी ये मंगलसूत्र के बारे में। देखिए, ये मेरे शादी का मंगलसूत्र है जो मेरे पतिदेव ने मुझे पहनाया था। तो इसको मैं किसी भी पूजा ओकेजन में, आप लोग देखोगे, तीज, करवा चौथ, मेरे पास और भी मंगलसूत्र है इससे हैवी, बट मैं नहीं पहनती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है जो मेरे शादी में चढ़ा है उसका पहनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं यही पहनती हूँ। और कुछ कमेंट्स के बारे में और भी कहना चाहूँगी। एक दो कमेंट्स मेरे पास आए थे किसी किसी ब्लॉग में कि यदि आप अपने हेयर स्टाइल चेंज कर लीजिए, तो मैं आपको बताऊँ कि इस समय नवरात्र का डे चल रहा है, तो डेली हम लोग सिंदूर लगाते हैं मांग में। तो जब आप हेयर स्टाइल चेंज कर लोगे तो कैसे लगाओगे, फर्स्ट। और सेकेंड बात यह है कि पूजा के टाइम में यार इतना काम रहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं फ़ैशन कर पाऊँ, क्योंकि जैसा है वैसे ही आदमी रहेगा, उसमें चेंज तो होना नहीं। और आपको ये भी बताएं, मुझे सादगी में रहना बहुत ज़्यादा ही पसंद है। मैं इस टाइम तो आप लोग देखोगे मैं लिपस्टिक भी लगा लेती हूँ, थोड़ा बहुत मेकअप कर लेती हूँ, बट मैं नॉर्मल डे में कभी नहीं करती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है सादगी का होना बहुत ज़रूरी है। आप कहाँ कहाँ कब तक मेकअप करोगे? जब आप ब्लॉगिंग का काम कर रहे हो तो आप डेली ब्लॉगिंग करो, तो डेली आप मेकअप करके आओ फिर करो, तो वो पॉसिबल नहीं है, फिर आप ब्लॉगिंग ही नहीं कर सकते। हाँ, मैं इंस्टाग्राम पे अगर आप कर रहे हो तो वहाँ आपका चल सकता है मेकअप, बट जिसका डेली का ब्लॉगिंग है वो मेकअप नहीं कर सकता। तो इसलिए मुझे सादगी में ही रहना सबसे ज़्यादा पसंद है, और सादगी से मुझे बहुत प्यार भी है। तो कोई नहीं यार, टाइम नहीं मिलता कि मैं हेयर स्टाइल करूँ। और कुछ चीज़ें ये भी है, भगवान ने मुझे सब कुछ काम भर का तो दे दिया, बट हेयर बहुत कम दिया, क्या करें उसके लिए। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हेयर ग्रोथ के लिए अगर कोई ट्रीटमेंट हो तो आप लोग मुझे श्योर बताइएगा। वैसे मैं क्योर स्किन से भी कर चुकी हूँ, मुझे कोई इससे फ़ायदा नहीं दिखा, मैंने छोड़ दिया। अगर आप लोग के हिसाब से कुछ है कि हेयर ग्रोथ इससे होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मैं वो चीज़ करूँगी बाल के लिए, क्योंकि मुझे बाल से बहुत ज़्यादा प्यार है। चलिए फिर चलते हैं फटाफट, धीरे धीरे आज थोड़ा काम भी करूँगी, अपना काम निपटा लेते हैं और पूजा पाठ में क्या क्या होता है सब कुछ दिखाएंगे। और गाइस, आज बहुत छोटा ही ब्लॉग रहेगा, इसके लिए सो सॉरी, बट मेरे ब्लॉग को आप लोग छोटा है तो क्या हुआ, प्यार से सपोर्ट करते हुए देखिएगा। चलिए फिर चलते हैं फटाफट, काम निपटा लें, नहीं तो पंडित जी आ जाएंगे।
तो मेरा सारा काम अधूरा रह जाएगा। चलते हैं। देख सकते हैं कि हमारे मंदिर की हो गई है साफ़ सफाई, आप लोग भी देखिए सब कुछ मैंने कर दिया है साफ, इधर भी हो गया है मंदिर की साफ़ सफाई। और आपको बता दें हमने प्रसाद वगैरह भी तैयार कर लिया है, देखिए इधर सब फूल माला, पंडित जी के आने की तैयारी हो रही है, पंडित जी का आसन वगैरह लग गया है। और आप लोग को हम बताएं कि देखिए हमारे घर का जौ कितना बड़ा हो गया है ना, ये देखिए कितना बड़ा हो गया सच में यार, मतलब दो तीन दिन में काफ़ी बड़ा हो जाएगा। देख रहे हैं देवी जी हमारी, 3 दिन और पूजा लेंगे फिर तो वही डेली वाली पूजा, पर इस टाइम की पूजा का कुछ अलग ही मतलब होता है यार। जब तक पंडित जी पाठ कर रहे थे तब तक मैं आ गई थी नीचे मखाना मूंगफली सब तैयार करने के लिए, और उधर चाय भी मैंने रख दिया एक तरफ की, दूध बॉयल करके रख के जाऊंगी तो आने के बाद बहुत टाइम नहीं लगे। एक्चुअली है क्या पंडित जी को लेट होता है ना, इसीलिए वो कुछ और खाना नहीं चाहते, बोलते नहीं हमें मूंगफली चाहिए थोड़ा बहुत करा दीजिए, तो इसीलिए हम लोग करते। देखिए इधर मैं सबका प्लेट वगैरह गिलास का पानी अदरक वगैरह सब करके रख के जाती हूँ कि आने के बाद बस तुरंत पंडित जी को हम दे सकें। पाठ हो गया था समाप्त, उसके बाद आरती स्टार्ट हो गई। आरती में मैं मम्मी और भैया पंडित जी सब लोग साथ में शामिल थे आरती करने के लिए। ओजस की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, घर पे ही था, वो नहीं आ पाया था, लास्ट में आएगा वो, अभी नहीं आया। और मैं पंडित जी का सब कुछ रेडी कर दी हूँ ले जाने के लिए, और बाकी लोगों का भी निकाल दी, इधर चाय भी मैंने रखा था, सब साथ साथ में फटाफट कर रही थी। और यहाँ पे मैं अपना प्रसाद खा रही थी, सोची यही खा के पानी पी लूँ क्योंकि प्यास बहुत तेज लग जाती है और बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, 1 बज जाता है ना, तो वही बस मैं पीछे पानी रखी थी पीने जा रही थी। सो गाइज आप लोग देख सकते हैं कि दोपहर का पाठ और आरती कंप्लीट हो चुकी है, अब सभी फैमिली और पंडित जी सभी लोग चाय नाश्ता वगैरह करेंगे। एक बार मैंने प्रसाद वगैरह दे दिया है, अब इसके बाद हम चाय छान रहे हैं, और चाय पीने वाले में भैया भी रहते हैं और हमारे यहाँ जो काम करती हैं वो भी आ जाती हैं टाइम से नहा हो के, क्योंकि वो भी 9 दिन का फास्ट रहती हैं बेचारी, तो उनका भी ध्यान मुझे देना चाहिए। लोग कहते हैं अमीर से ज़्यादा गरीब का ध्यान देना चाहिए, तो इसीलिए मैं उनका डेली ध्यान देती हूँ कि वो भी घर से हमारे चाय पानी पी के जाएँ। फाइनली हम पंडित जी को दे आए, मम्मी को देने जा रहे थे, और कप में आपको बता दें कप में हम लोग नहीं पीते हैं, भैया पियेंगे। और सबको देने के बाद फिर मैं खाई भगवान का प्रसाद थोड़ा सा मुँह में डाल के पानी वगैरह पीने के लिए, क्योंकि 1 बज जाता है यार, 1:45 बजे तक हम लोग कुछ नहीं खाते ना तो बहुत दिक्कत होती है, तो इसलिए हम पहले पानी वगैरह पी लेंगे फिर उसके बाद जाएंगे चाय मूंगफली मम्मी के साथ ही बैठ के करेंगे। प्यास पानी देखते तो ऐसे प्यास लगता है कितने दिन तक नहीं पिए हैं। और फाइनली हमने पानी वगैरह सब पी लिया, किचन की साफ़ सफाई कर दी, अब हम जा रहे हैं मम्मी के पास बैठ के नाश्ता करेंगे। इधर मम्मी ओजस को प्रसाद दे रही थी, ओजस देख नहीं रहा था कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो वही बोलता अरे, फिर मैं आधा ही चाय वगैरह पी थी तब तक छत पे आ गए थे माली, उन्होंने बुलाया, मैं आ गई छत पे क्योंकि वो पेड़ उड़ के बारे में मुझे कुछ बता रहे थे क्या क्या सामान वगैरह लाना है। मैं बोली ठीक है कोई बात नहीं, आपको ले आना है आप ले आइए। फिर इतना सब कुछ करते थोड़ा देर रेस्ट किया हम लोग ने, फिर उसके हो गया शाम, फिर हम लोग आ गए छत पे पूजा आरती करने के लिए क्योंकि शाम का टाइम हो चुका था। तो चलिए ठीक है, आज देखिए मम्मी आप लोग को 2 भजन सुनाएंगे, आप लोग इन्जॉय करिएगा। भैया पहलिया
मेरे माँ का सिंदूर अमर करियो में, माँ का सिंदूर अमर करियो, भैया विनती करी ला दोनों पर जोरी, हमे विनती करी ला दोनों पर जोरी। ये देखिए मैं आज ताज़ा घी खराई थी क्योंकि आलू फ्राई करने के लिए भी चाहिए और पूजा वगैरह करने के लिए। आज मैं खाने के लिए आलू फ्राई कर रही हूँ, इसमें थोड़ा सा पनीर वगैरह डाल के फ्राई करूँगी और आज हमारे पति देव आने वाले हैं तो पूरा खाना बनेगा, तो इसलिए आज हम लोग शॉर्टकट में आलू वगैरह फ्राई कर लेंगे अपना। इधर देखिए मैंने बनाया दाल फ्राई और नेनुआ की सब्ज़ी, मेरे पति देव का बहुत फेवरेट है। और उसके बाद मैंने रोटी चावल सलाद काट के रख दिया, वो आएँगे तो नमक वगैरह मिलाएंगे। मैंने आपके कुछ क्वेश्चन का आंसर दिया था कि पता ही नहीं क्या हो गया कि वॉइस ही नहीं आ रहा था, तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा, इसके लिए सो सॉरी। और आपको बता दें कि मेरी मम्मी ने इस ब्लॉग में गाया है माता जी का भजन, तो आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा और आपके क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मिल ही गया होगा। अब ब्लॉग को हम करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए चैनल पे कोई भी नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर दो, ऐसे ही इंटरेस्टेड और भी ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।